हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं बाजरा मेथी की मसाला पूरी। आप देखते ही समझ गए होंगे, टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने सब कुछ परांठ में ही डाल लिया है। ये मैंने 1.5 कप बाजरे का आटा लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम मेथी ली है बारीक कटी हुई, 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है ताकि बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप, ये मेरे पास बना हुआ रखा था, बना दिया था मैंने ज्यादा सारा, उसमें से 1 चम्मच लिया है। अगर आप मिक्सी में नहीं पीसे तो आप थोड़ी सी मेथी डाल के उसको पीस सकते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच अजवाइन को मैंने क्रश करके ले लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है। ये मैं पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज कर रही हूँ तो 1.5 चम्मच के करीब लिया है। 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हींग और 1/2 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर। पानी मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसको ना अच्छे से आटे को सब चीजों को मिला लेंगे। और इसको अच्छे से मस लेंगे पहले, है ना। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, इसको भी अच्छे से मसल लेंगे और बहुत अच्छे से ना आटे को खूब अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसमें सारी चीजें ना मिक्स हो जाएं। तो ये मसाला पूरी आप नाश्ते में बना सकते हैं, आप स्नैक्स में बना सकते हैं, आप कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी ये ले जा सकते हैं साथ में। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये काफी तेज गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसका ना एक टाइट डो लगाएंगे। तो इसका डो लगाने के बाद मैं आपसे मिलती हूं। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड होने लगा है आटा और थोड़ा सख्त है, जैसे हम पूरी का लगाते हैं ना उस टाइप का ही आटा लगाएंगे हम। और इसको थोड़ी देर ना ढक के छोड़ देंगे, हल्का सा हाथ लगाएंगे ऑयल का और इसको ऐसे ढक के 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। आटा ना हमने ये चिकना कर लिया है एक बार और इसको अच्छे से मत लिया है। अब हम इसमें से ना छोटी छोटी लुइयां तोड़ेंगे, जो पूरी के हिसाब से, पूरी जितने साइज की, और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथों पे और इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे, चारों तरफ से ये फट्टा नहीं चाहिए। ये देखिए कुछ लोइयां हमने ये बना ली हैं, आपको बेल के दिखाते हैं। हल्का सा इसमें तेल लगाएंगे, थोड़ा सा हमने चकले पर और बेलन पे भी तेल लगा लिया है ताकि वो चिपके नहीं। और इस तरह से ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली हम पूरियां जो है वो बेल लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेंगे सारी पूरियां। अब ये देखिए हम एक एक पूरी ऐसे उठाएंगे और तेल में छोड़ देंगे। थोड़ा तेल गर्म हो, ये मेरी तलने वाली कढ़ाई है, और इसको हल्के हल्के ना ऐसे प्रेस करेंगे। कटी हुई मेथी होती है ना तो कई बार पूरी नहीं फूलती है, तो कोई बात नहीं, आपकी क्रिस्पी बने, आपने ज्यादा सारी मेथी डाली है, बस वो मेन पर्पज है हमारा। इसको पलट लेंगे, दोनों तरफ से ना हल्का ब्राउन होने का सीखेंगे। देखिए, और ये अंदर से भी कच्ची ना रहे ऐसी हमें बनानी है। देखिए बहुत ही यम लगती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मैंने ये बना के खाई हैं, फिर मैं आपके सामने इसको लेकर आई हूँ, तो ज़रूर आप ये पूरी ट्राई कीजिएगा। मसाला पूरी है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं। क्रिस्पी खानी है तो थोड़ा देर तक मंदी आंच पे फ्राई करें, और सॉफ्ट खानी है तो थोड़ा जल्दी निकाल लें। अब हम डालते हैं दूसरी पूरी। ये देखिए दूसरी पूरी हमारी फूल गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फूलेंगी कुछ नहीं फूलेंगी,
लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप जरूर बनाइएगा। ये देखिए चारों तरफ से ना अच्छे से सेक लें इसको। मैं आपको पास से दिखाऊं, कलर बहुत ही अच्छा आया है। लाजवाब पूरी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं है, बस सिंपल पूरी की तरह बेलना है। थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखेंगे, ज्यादा पतला ना करें। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए वाह है ना, यम कितनी बढ़िया पूरी ये बनी है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही हम सारी पूरियां बना लेते हैं, धुएं की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं है। जब आप हल्के हाथ से प्रेस करोगे ना तो अच्छी फूली हुई बनेगी। देखिए तो हम एक एक पूरी तल रहे हैं, आप दो दो इसमें डाल सकते हैं। क्लियर दिख रहा होगा आपको, धुएं की वजह से ना कभी कभी क्लियर नहीं आता है, तो गरम गरम आपको दिखाना होता है। ये देखिए अच्छी फूली फूली पूरियां हैं, और ये क्रिस्पी हैं, पता है बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ऐसे ही हम सारी पूरियां निकाल लेंगे, बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही मस्त, इनको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते रहेंगे, है ना। जरूर ट्राई कीजिएगा, और इतनी बढ़िया लगती हैं चटनी से, चाय से, मतलब मुझे लगता है कि आप देखते ही बनाएंगे, जरूर बनाइएगा। ऐसे आप इसको फुला लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, है ना मजेदार पूड़ियाँ। तो सारी तल के हम आपसे मिलते हैं। अब ये देखिए हमारी मसाला पूरी बनकर तैयार है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।